खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण तों बाद जिथे किसान जथेबंदियां वल्लों पंजाब सरकार खिलाफ मोर्चा खोलदिआं अंदोलन विढ़ण दी चेतावनी दित्ती गई सी, जिस दे डरों बीते दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग करके ऐलान कीता सी कि उन्हां वल्लों किसानी मंगां मन लईआं गईआं हन। उत्थे ही अज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर दे प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने विरोध जतौंदिआं कहा कि सरकार ने उन्हां नाल किसानी मंगां ते विचार चर्चा तां जरूर कीती, परंतु सरकार ने किसी भी मसले ते बांह फड़ाउण दी कोशिश नहीं कीती ते गल्लां नूं गोलमोल करदिआं समां ही टपाया है। होर की कुछ आरोप लगाए ने डल्लेवाल वल्लों ओह वी सुण लैंदे आं। आप समूह किसान वीरां नूं इस गल दी इंतजार होएगा कि कल सरकार नाल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच की फैसले होए ने, की सरकार मंगां मन्नी है, ओहदी जानकारी किसानां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई वारी प्रेस कॉन्फ्रेंसां दे विच वी गल्लां क्लीयर नहीं हुंदियां ते सरकार भी कई बार गल्लां क्लीयर नहीं करदी। दोस्तों, सब तो अहम मंग सी साडी किसानां दे करजे दी। सरकार ने साडे नाल कमिटमेंट कीता सी चोणां दे दौरान कि समुचा करजा माफ करांगे। साडा स्टैंड सीगा कि जो करजा दी तुसीं कमिटमेंट कीती है, जो तुहाडे चोण मनोरथ पत्तर दे विच लिखिआ है, उसे दे अनुसार ही किसानां दा करजा माफ कीता जाए, और उस तो उरे परे दी कोई गल करना उचित नहीं, कोई वाजब नहीं, वाजबियत बनती भी नहीं। तो दोस्तों, इहदे ते सरकार ने, मैं समझूंगा कि कोई बहुत ठोस कदम नहीं चुकिया, क्योंकि सरकार ने 5 एकड़ तक के किसान पहले चक रखे सीगे कि 5 एकड़ तक दिआं नूं 2 लाख तक का करजा माफ करांगे, उसे नूं पूरा करन दी गल कीती है। हाँ, इन्ना फर्क जरूर पै गया कि पहला लैंड मोरगेज बैंक दा करजा इहदे विच नहीं सी गिणिया, हुण उन्होंने लैंड मोरगेज बैंक का करजा भी इहदे विच ऐड कर लिया कि जे किसी किसान ने लैंड मोरगेज तो भी लिया है तो वह भी उन्होंने करजा मतलब माफ किया जाएगा। सिर्फ इन्नी गल हुई है, बाकी दी मसले दे लई दोस्तों एक गल क्लीयर है कि सरकार ने कोई बांह नहीं फड़ाई। भावें सरकार ने एक बहाना जहा बनाया, एक गल कही है कि असी जी थोड़े दिनों फिर मीटिंग सदांगे, उस मीटिंग दे विच करांगे फैसला कोई, पर मैनू पता इस गल दा, तुसी भी सारे जानते हो, अज तक कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है और उस तो बाद कोई फैसला लैण दी सरकार दी समर्था ही नहीं रहनी। तो इस करके इहदे तो एक वारी सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़न वाली गल है, ते अगे सानू की तैयारी रहनी रखनी चाहीदी है, क्योंकि गल मंग करदे हालात मंग करदे है कि इह अंदोलन तो बगैर, लड़ाई लड़े तो बगैर इह मसला होया। इहदे नाल ही साडे किसानां दे मुआवजे दी गल है, सरकार ने यह कहता नरमे वाले किसानां नूं कि असीं 17,000 रुपया प्रति एकड़ देवांगे, पर दोस्तों उहदे च वी शर्त ला रखी है कि 5 एकड़ तक दी मुआवजा ही मिलना है। जे किसी किसान की 10 एकड़ फसल नुकसानी गई है तो उन्हें केवल 5 एकड़ तक मुआवजा मिलना, जो कि बहुत गलत दे किसानों नाल धक्का है। यह भी मंग करदा असी बहुत जोर दिता सी, इस दे उत्ते रौला पाउंदे रहे हैं, लेकिन सरकार की गल यह सी कि सानू केंद्र नाल टाई अप करना पैना, केंद्र नाल गलबात करनी पैनी है, जिदे चो अखीर यही निकलदा है कि सरकार ने कोई पल्ला नहीं फड़ाया, गल गोलमोल कीती है। तो गोलमोल गल नूं ठीक करना सीधे रस्ते ते लिआउण दा इक्को ही रस्ता हुंदा है कि असीं अंदोलन दे राह तुरीए। इस दे नाल सरकार ने एक साडे जिहड़े गन्ना काश्तकार किसान है उन्हां बारे इह गल आई सीगी कि गन्ने की जिहड़ी पेमेंट है सरकार 325 दिंदी है, मिल 325 दिंदी है, बाकी पैसे जिहड़े 35 रुपये है वह सरकार देवेगी। हुण इत्थे फर्क की है, जेकर पर्ची 325 की बनती है तो सरकार आपदे 35 वखरे दिंदी है, तो समझ लो कि वह जिहड़े 35 है वह बोनस के रूप च जाणगे। जे वह कीमत दे विच ऐड हुंदे ते पर्ची पूरी बनती है तो कीमत दे विच ऐड होंगे। लड़ाई किसानां दी जायज है, वाजब है कि यह पैसे पर्ची दे विच लगन, इन पैसे कीमत दे विच दर्ज होण, इह जिहड़ी साडी कीमत वधाई गई है इहनूं बोनस दे विच जेकर लैणगे तां आउण वाले समें दे विच जिहड़ी साडी लड़ाई है उह फिर कीमत वधाउण वास्ते 360 तों अगे नहीं चलेगी, उह 325 तों चल के 360 वल नूं जाएगी। इस करके किसानां दी लड़ाई वाजब है, पर सरकार ने इहदे ते वी ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ,
गल इहदे तों भी पल्ला झाड़न वाली ही नजर आई है। तां इही गल मंग करदी है कि असीं अगे भी अंदोलन की तैयारी करनी पेगी। तो अगली गल है दोस्तों, सरकार ने जिहड़े साडे किसानां ने लिफ्ट पंप लाए हुए ने नहरां तों, देखो किड्डी धक्केशाही है साडे किसानां नाल कि लिफ्ट पंप लग गया, साडे किसानां नूं बिजली भी पंजाब दे किसान नूं फ्री है ते नहरी पानी भी किसान नूं फ्री है, और पांच पांच किलोमीटर सत सत किलोमीटर लोग जिहड़े दूर बैठे सी जिन्हां नूं किसे पासों नहर दे पानी दी व्यवस्था नहीं हुई पै हो पाई, हुण किसानां नूं नहर दे राही व्यवस्था करके देना तां सरकार दी जिम्मेवारी है ना। अगर सरकार ओह जिम्मेवारी नहीं निभा सकी और उन्हां किसानां नूं आपदा पानी लिफ्ट पंपां राही चक के लिजा के एडियां लंबियां पाइपां पा के लाउणा पै रिहा है तां किसानां दी मजबूरी है, ओह कोई किसानां दा चा नहीं, तां उन्हां किसानां नूं क्यों नहीं बिजली दे पानी फ्री क्यों नहीं जी उन्हां किसानां नूं, तां उन्हां किसानां नूं बिजली दा बिल पैंदा है, बहुत महंगा पानी पै रिहा है, उहदी वी साडी मंग सीगी कि इहनूं वी मतलब वापस लवे सरकार, जो किसानां नूं बिजली दे उत्ते पैसे पैंदे है ਉਹ ਵਰਤ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟਕਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਭਾਵ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। DGP ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।